आज की केमिकल खाद्य युक्त मिलती फसल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताई जा रही है। ऐसे में हेल्थ कॉन्शियस लोग ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स पसंद कर रहे हैं। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है अकोटा स्थित डाउन टू अर्थ 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड की शॉप ऑर्गेनिक एंड मोर। मोरार का ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की डाउन टू अर्थ 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड की मांग हेल्थ क्यूरियस लोगों में बढ़ रही है। यह ब्रांड पिछले 15 सालों से ऑर्गेनिक फूड संशोधन की उपज है। कृत्रिम रसायनों से मुक्त ये प्रोडक्ट्स हेल्थ के लिए बेस्ट हैं। इनमें प्राकृतिक स्वाद है और 100% सलामत और जीरो साइड इफेक्ट वाली ये प्रोडक्ट्स हैं। ये इको फ्रेंडली भी हैं। इस प्रोडक्ट्स की शॉप अकोटा विस्तार में शांग्रीला कॉम्प्लेक्स में प्रारंभ हुई है, जिसे चलाती हैं स्मृति पटेल। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स को ही व्यवसाय के रूप में क्यों चुना। आज थी 20 वर्ष पहला मारो पहलो बाळक जन्म्यो। एना जन्म वक्ते मगज में एक ज आशा हती के हूँ मारू बाळक ने बहुज हेल्धी बनावू। हेल्धी बनावा माटे शू जोईए? हेल्धी बनावा माटे पहला में पहलू आवे के फूड। फूड माथी मने एवुं थयुं के कयुं एवुं फूड मारा बाळक ने आपवुं के मारू बाळक हेल्धी बने। त्यांथी मने बेसिकली हूँ बीएससी होम साइंस थेली छू। फूड एंड न्यूट्रिशन मारो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट छे, एटले मने एम थयुं के फूड ने जो कॉन्सेंट्रेशन करो। यहाँ पर दालें, मसाले, रेडी टू ईट फूड्स, चना, मूंग जैसे तमाम अनाज, एलोवेरा, हनी, नीम प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। ये चीजें बाजार के मुकाबले थोड़ी महंगी हैं, पर हेल्दी हैं और क्वालिटी में बेस्ट और क्वांटिटी में ज्यादा हैं। केमिकल नो वपराश ज नथी थयो, एटले तमारे पालक मेथी छेक मूळ माथी ज वापरवानी। एटले तमारे कोक वार एवुं थई जाय छे कोईने के ऑर्गेनिक मोंघू छे, पण एनी क्वांटिटी वधी जाय छे। तमे बीजा बहारथी लावो एना करता ऑर्गेनिक माथी जे वस्तु होय छे तेनी क्वांटिटी ने क्वालिटी बेव खूब वधी जाय छे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सब्जियां, फल, अनाज के साथ साथ घी भी है। इसके उत्पादन के बारे में स्मृति पटेल ने जानकारी दी। ऑर्गेनिक फार्मिंग जेने करवू होय तेना माटे कम्पलसरी गाय ने राखवी जोईए। तो गायना माथी जे सजीव खेती ऑर्गेनिक फार्मिंगना गायो होय छे तेमने कोई इंजेक्शन दवाओनो उपयोग नथी थता। अने माणसो आपणे जे ખાઈએ એવી રીતને એને ફૂડ આપવાનું આવે છે, કોઈ બહારનું એને નુકસાન થાય તેવી પ્લાસ્ટિક એવી કોઈ એનામાં જાય નહીં તેની કાળજી રાખવામાં આવે છે। એટલે ઓટોમેટિક એનું દૂધ આપવાની ક્વોલિટી સારી હોય છે અને એમાંથી જે ઘી બને છે અને મશીનથી નથી બનતું, વલોણાનું ઘી બને છે, એટલે એ આપણા શરીરને બી उपयोगी थी जाए। क्या आप जानते हैं आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित रागी यानी नाचनी अनाज में 90% कैल्शियम पाया जाता है और ब्राउन राइस में B12 प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। रागी नाचनी क्या थी आयु तो रागी डेडियापाड़ा विस्तार माथी आवेली वस्तु छे, जे पांचेक वर्ष पहला एटलू फेमस नतुं, अत्यारे हमणा खास फेमस छे। ए डेडियापाड़ाना माणसो 90 वर्षना भी मरे तो एमना मोढ़ा में दांत होय छे। તેનું કારણ શું કે રાગી નાચણીમાં ખૂબ જ કેલ્શિયમ હોય છે જે દાંત અને હડકાને મજબૂત બનાવે છે। ઓર્ગેનિક ફૂડ સજીવ ખેતી કી પ્રોડક્ટ હૈ, ઇસકે લિયે 3 સાલ તક કિસાન મહેનત કર જમીન તૈયાર કરતે હૈ ઓર બાદ મે પ્રાકૃતિક ખાદ સે સીઝનલ પ્રોડક્ટ્સ લી જાતી હૈ। એસી જમીન મે ઉગાયે ગયે ગન્ને સે બનતા ગુડ કેલ્શિયમ ઓર આયરન સે ભરપૂર હોતા હૈ। સજીવ ખેતીનો ગોળ ખૂબ જ ફેમસ છે, બધા લેડીઝો માગતા હોય કે કેમિકલ વગરનો ગોળ, કેમિકલ વગરનો ગોળ, તદ ઉપરાંત સજીવ ખેતીથી પાકેલી શેરડીની રસવાળો ગોળ, કે ગોળને ખેડૂતો કોકવાર ગીંડાનો રસ કે એવી ભીંડાના રસથી ધુવે છે। ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગમાં અમુક વસ્તુઓ તમે નહીં સાંભળી હોય એવી રીતે ધોવાય છે, કારેલાનો રસ, ખાટી છાસ, આપણે એલોવેરા જે કહે છે થોર, એ બધાના જ્યુસમાંથી થઈને અનાજ ધોવાય છે।